तो हेलो हेलो लोगों, वेलकम बैक टू ऑफिशियल गेमर रेकी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला बीएससी का जो नॉनस्टॉप रेंडरिंग प्रॉब्लम है उसका जो मैं आज आपको एक फिक्स सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। बहुत सारे बंदों ने मुझे कमेंट और मैसेज करके बताया कि भाई मेरा बीएससी में रेंडरिंग स्टॉप नहीं हो रहा, रेंडरिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वीडियो जो सेव नहीं हो रहा बीएससी से, वीडियो का जो स्लो मोशन है वो स्मूथ नहीं हो रहा। तो ये सब प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए मैं आज आपको एकदम 100% वर्किंग और इजी वाला ट्रिक बताने वाला हूं। ये सारा प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूं। आज तक किसी यूट्यूबर ने इतना इजी और वर्किंग ट्रिक आपको नहीं बताया, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसा देख सकते हैं, मैंने जब वीडियो से आप ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद प्लस पे क्लिक करके मुझे जिस वीडियो का सोल्यूशन ऐड करना है उस वीडियो को सिलेक्ट करके मैं इधर सिंपल सा इंपोर्ट कर देता हूं। वीडियो इंपोर्ट करने के बाद इधर जो एडिट ऑप्शन में क्लिक करके, टूल्स ऑप्शन में क्लिक करके मैं जो इधर इसको स्पीड में जाके 0.3 तक कर देता हूँ। उसके बाद मैं जो इसको इधर सिंपल सा नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करके सेव में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो इधर जो रेंडरिंग चालू हो गया। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारा रेंडरिंग अभी भी चालू है, रेंडरिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और वीडियो भी नहीं सेव हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आप जो भी रिकॉर्डर यूज़ करते हो, चाहे वो एजेड रिकॉर्डर हो या फिर ड्यू रिकॉर्डर हो, उसका जो रेजोल्यूशन है आपको कुछ इतना रख लेना होगा। और फ्रेम रेट का बात किया जाए, फ्रेम रेट आप अपना मन चाहे जो भी रख सकते हो रख लेना। अगर आप फ्रेम रेट 60 रख ले हो ना तो बहुत ही बढ़िया बात, क्योंकि 60 रखने से आपका जो वीडियो का स्लो मोशन का क्वालिटी है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाता है, स्लो मोशन बहुत अच्छा होता है 60 फ्रेम रेट रखने से। तो फ्रेम रेट आप अपने हिसाब से रख देना। उसके बाद जो आपको करना होगा वो है, अगर आप काइन मास्टर यूज़ करते हो या फिर पावर डायरेक्टर यूज़ करते हो या फिर वीटा ऐप यूज़ करते हो, तो उधर से जब आप वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट करोगे तब आपको ध्यान रखना होगा आप वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो 1080p और फ्रेम रेट 60 रख के आपको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको आपको एक बार फिर से ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद आपने जो वीडियो काइन मास्टर से एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपको इधर सिंपल सा इंपोर्ट कर देना होगा। इंपोर्ट कर देने के बाद आपको जो वीडियो में स्लो मोशन ऐड करके वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट करके देख लेना होगा कि आपका रेंडरिंग खत्म होकर वीडियो सेव होता है या फिर नहीं। अगर आपका वीडियो सेव हो जाए, रेंडरिंग खत्म होकर वीडियो सेव हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं होता तो डरने की कोई बात नहीं, हमारा जो मेन ट्रिक है वो अभी बाकी है। तो आपको करना क्या होगा, जो वीडियो आपने काइन मास्टर से एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को एक बार फिर से कैपकट ऐप से एक्सपोर्ट कर लेना होगा, रेजोल्यूशन 1080p और फ्रेम रेट को 60 रख के। तो जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको VSCO में एक क्लिप को एक्सपोर्ट करके दिखा रहा था जो कि नहीं हुआ, उसका रेंडरिंग खत्म नहीं हो रहा था, तो उसी क्लिप को मैंने एक बार फिर से कैपकट ऐप में रेजोल्यूशन 1080p और फ्रेम रेट को 60 रख के एक्सपोर्ट कर लिया हूँ। तो चलिए आप देखते हैं VSCO में जाके क्या एक वाला क्लिप अब एक्सपोर्ट होता है इसी तरीके से, क्या इसका रेंडरिंग खत्म होता है या फिर नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो वीडियो से आपको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैंने जो कैपकट ऐप से जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को मैंने इधर सिंपल से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो स्पीड में जाकर इसको स्लो मोशन दे दिया। स्लो मोशन देने के बाद इधर नेक्स्ट पर क्लिक करके मैंने जो इसको सेव में क्लिक कर दिया। सेव में क्लिक करने के बाद देख सकते हो इसका जो रेंडरिंग स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कैपकट ऐप से वीडियो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद जो इधर VSCO में इसका रेंडरिंग कंप्लीट होकर वीडियो सेव टू गैलरी भी हो गया। तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप जो अपना VSCO से जो अपना वीडियो एकदम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।